यूपी के जो घटक दल हैं गठबंधन के, पहले भी उन्होंने चूक की कांग्रेस के छोड़कर दो पार्टी प्रदेश और आम जनता न देखना चाहिए, इसलिए दोनों का तालमेल उतना गलत है, वो फिर से विचार पुराण विचार लोग करें और तालमेल में रहें, आज और कांग्रेस को भी तालमेल में रखें। गैर भाजपा दल एकजुट होइए, भाजपा को पछाड़ने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार को राहत गठबंधन में आने की बात राहुल जी ने आज अब उधर अपना राजग के अंदर उनका उनकी तलखी बढ़ी है, तलखी बढ़ी है तो और निर्णय उनके हाथ में है। हम लोग कहता है कि गैर भाजपा दल को एकजुट किया जाए, उन्हें भाजपा से लड़ना है, उनको पछाड़ना है। बातें में पूछ रहे हैं उनको शामिल नहीं किया तो ये यहाँ नहीं शामिल किया, तलखी और कुछ बढ़े। हम तो हैं ये गैर भाजपा को एकजुट, नहीं इन्हें आवेंगे तो हमको तो लड़ना ही है, आम जन की ताकत से हम उनको लड़ेंगे पछाड़ेंगे आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन आ जाएंगे तो और अच्छा होगा, सब सेकुलर और से एकजुट हो जाए। क्या लग रहा है सर, बिहार में गैर भाजपा सब एक संगठित हो पाएंगे? लग रहा है ना, हमको प्रयत्न करना है कि अब लगेगा तब हम करेंगे, हम दैव पर छोड़ने वाले हैं, हम स्वयं लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, जनता पर हमारा भरोसा है, वही जनता हराती है, वही जनता जिताती है, तो फिर हम जनता में सेवा भक्ति करेंगे, लगेंगे। सुरमा नहीं विचलित होते छन एक नहीं धीरज को, कांटों में राह बनाते हैं कष्टों को गले लगाते, निंद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की कृषा और बढ़ती जब पड़ते पट में छाले, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम दिया। इंजाम किया बताए सरकार ने क्या इंजाम किया है, तो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, पानी पीने का संकट हो गया, सिंचाई का अलग संकट है, वर्षा होती नहीं है, क्या अटल जी की भविष्यवाणी सही हो रही है? भविष्यवाणी देखा लीजिए, पानी का अभाव हाहाकार मचा हुआ देश के ज्यादा हिस्सों में, पानी का संकट, बरेला झील सूख गया, बरेला झील सूख गया, दरबार चौर, दिल्ली चौर, अंधरा चौर, बघना चौर सब सूख गया।